हेलो दोस्तों, मंजित बेली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म आपका भी स्टेट लेवल पे पेंडिंग चल रहा है। काफ़ी समय हो गया है, एक महीना हो गया है या दो महीना हो गए हैं। कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्हें दो दो महीने हो गए हैं, कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्हें दो साल हो गई हैं, तीन साल हो गई हैं, और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्हें एक साल हो गई है फिर भी उनका स्टेट लेवल पे पेंडिंग में फॉर्म चल रहा है और उन्हें अप्रूवल नहीं मिल रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। यदि आपका फॉर्म वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट हो गया है और स्टेट लेवल पर पेंडिंग चल रहा है तो स्टेट लेवल पर पेंडिंग फॉर्म को अप्रूवल कैसे कराएंगे, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद में अपना जो बेनिफिशियरी स्टेटस होता है उसे चेक करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पे एक कॉलम मिल जाता है, स्टेटस सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर CSC। मतलब यहाँ से अपना जो स्टेटस होता है फार्मर का, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म पेंडिंग चल रहा है, अप्रूवल हो गया है या रिजेक्ट चल रहा है, या ब्लॉक से अप्रूवल हो गया है, स्टेट से हो गया, तो वो अपना जो स्टेटस होता है वो करंट का आज ही का चेक करें। क्योंकि दोस्तों यदि आपने स्टेटस पहले से चेक कर लिया है, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या प्रिंट आउट निकाल लिया है और आप सोच रहे हैं कि हमारा स्टेटस पेंडिंग चल रहा है, तो हो सकता है कि आप करंट का स्टेटस देखें तो आपका फॉर्म अप्रूवल भी हो सकता है। तो इसलिए आपको अपना जो करंट का स्टेटस होता है उसे चेक करना, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज कर देना, उसके बाद में आपको यह कैप्चा मिल रहा है, वो कैप्चा आपको यहाँ फिल कर देना है, उसके बाद सर्च पे ओके कर देना है। अब जैसा कि आप सर्च पे ओके करेंगे तो उसके बाद में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो स्टेटस होता है वो लॉगिन हो जाएगा। और दोस्तों हमने एक किसान भाई के यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। यहाँ से इनका जो फॉर्म है आपको यहाँ से मिल जाएगा। इनका जो फॉर्म है 26/5/2023 में इन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया था, उसके बाद में इनका अप्रूवल नहीं मिला है और उन्हें वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब तहसील से इन्हें अप्रूवल मिल गया है बट यहाँ स्टेट लेवल पर अप्रूवल नहीं मिल रहा है। और दोस्तों इनका जो स्टेट है वो UP के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट बदायूं के रहने वाले हैं। और दोस्तों इनका रीजन फॉर रिजेक्शन में इन्हें अप्रूव आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे दो बातें होती हैं ध्यानपूर्वक देखने की। सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट है वो देखना है कि आपका रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, ठीक है। कुछ किसान भाई का यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट 2023 का आता है, कुछ किसान भाई का यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट 2020 का भी आता है, कुछ किसान भाई का यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट 21 का आता है। सबसे पहले देखते हैं किन लोगों के फॉर्म वेरीफाइड नहीं होने, जैसे कि स्टेट लेवल पे जो फॉर्म किन लोगों के वेरीफाइड होने, सबसे पहले आपको जान लेना है। यदि दोस्तों आपका अभी स्टेट लेवल पे फॉर्म है और 2020 में आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपका फॉर्म स्टेट लेवल पर चल रहा है तो 100% आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ, यहां से आपको रिजेक्ट हो जाएगा और आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। दूसरा होता है दोस्तों यदि आपका फॉर्म 2021 में अप्लाई किया था, 2021 में अप्लाई किया था और फिर भी आपका स्टेट लेवल पर पेंडिंग चल रहा है, तब भी आपका फॉर्म यहाँ पर अप्रूवल नहीं होगा और रिजेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट क्यों होगा, इसका भी कोई रीजन होगा। यदि आपने 2020 में किया है, 2021 में किया है तो आपको देखना है कि आपका स्टेट लेवल पे पेंडिंग चल रहा है, क्योंकि दोस्तों जो आपने पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था 2020 में, ठीक है। अब 2020 में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, उस समय जो खतौनी हमारा डॉक्यूमेंट होता है जमीन का खतौनी, वो अपलोड नहीं होता था। अब पीएम किसान सम्मान निधि का अपडेट आ गया है, यदि आपने खतौनी अपलोड किया हुआ, जमीन का डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा तभी आपका फॉर्म यहाँ से अप्रूवल होगा, अप्रूवल मिलेगा और आपको पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान होते हैं। दोस्तों आपने अभी 2020 में रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपने खतौनी अपलोड नहीं किया हुआ, या आपने 2021 में आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया हुआ और आपने रजिस्ट्रेशन सीधा कर दिया हुआ, तो उस बीच आपका ये रजिस्ट्रेशन होता है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, रिजेक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे आ जाता है। अब दोस्तों बात रहती है रिजेक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट आता है और किन किसान भाई का यहाँ से फॉर्म को अप्रूवल मिल सकता है। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है 2023 में यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है और आपने खतौनी अपलोड किया है तो आपको अप्रूवल 100% यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। 2022 में आपने रजिस्ट्रेशन किया है और आपने खतौनी अपलोड किया है, 100% आपको अप्रूवल मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त हो जाता है और आपको इंस्टॉलमेंट का भी पैसा मिल जाता है, ठीक है। 2024 में भी आप जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो खतौनी जरूर अपलोड करें और खतौनी अपलोड करने के बाद ही आपका फॉर्म यहां से वेरीफाई होता है। जिन किसान भाई ने 2020-2021 में फॉर्म को अप्लाई किया था, उनका फॉर्म स्टेट लेवल पर पेंडिंग चल रहा है, वो सबसे पहले अपना फॉर्म तहसील जाएँ,
तहसील में जाने के बाद में जो भी कृषि विभाग के नोडल अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क करना है और उनसे सर से पूछना है कि हमारा जो फॉर्म है स्टेट लेवल पे काफी दिन पेंडिंग में चल रहा है, इसमें खतौनी अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, यदि वो नोडल अधिकारी कहते हैं कि इसमें खतौनी, जमीन का खतौनी अपलोड है, तो आपको वेट कर लेना है, उनसे बोलना है कि हमारा रिक्वेस्ट करना है कि हमारा फॉर्म जल्दी से वेरीफाई करा दो, तो हो सकता है। ठीक है, यदि वो बोलते हैं कि आपका जमीन का खतौनी अपलोड नहीं है तो 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो उनसे ही कह के अपना जो फॉर्म होता है उनसे कह के अपना फॉर्म को अप्रूवल करा सकते हैं। यदि वो अप्रूवल नहीं देते हैं तो उनका अपना जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट करा लें और रिजेक्ट करने के बाद में पीएम किसान पोर्टल पर दोबारा से सेल्फ अपडेशन पर जाकर अपना फॉर्म को सुधार कर लेंगे, फॉर्म को अपडेट कर देंगे, तो आपको एक मंथ के बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई जाता है, दूसरे मंथ में आपको स्टेट लेवल वेरीफाई हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, समथिंग आपको 2 या 3 महीने में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलने लगता है। यदि दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमारा स्टेटस स्टेट लेवल पे पेंडिंग चल रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं, 2020 में हुआ है, 2021 में हुआ है, तो दोस्तों 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। एक बार अपना तहसील में जाके अपना स्टेटस को जरूर चेक करा लें कि आपके जो डॉक्यूमेंट होता है, जमीन का जो डॉक्यूमेंट होता है, खतौनी जो होता है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपलोड किया या नहीं किया। यदि अपलोड हुआ है तो अपना फॉर्म को वहाँ तहसील जाके अपना वेरीफाई करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपके पास में जमीन का खतौनी होना चाहिए। जमीन का खतौनी मीस होता है जो जमीन का डॉक्यूमेंट होता है, तहसील से निकाल सकते हैं, जनसेवा केंद्र या सीएससी से किसी से भी अपना खतौनी को निकलवा सकते हैं। यदि वो कहते हैं वेरीफाई आपका फॉर्म नहीं हुआ, खतौनी अपलोड नहीं आ रही है, तो जो फॉर्म होता है अपना स्टेटस को रिजेक्ट करा लेना है। जब फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो दोबारा से पीएम किसान पोर्टल पर आप आएंगे, बैग आएंगे दोस्तों, उसके बाद में थोड़ा सा बैग आएंगे, बैग आने के बाद थोड़ा सा स्क्वाड डाउन करेंगे और यहाँ से आपको एक मैसेज मिलता है अपडेशन सेल्फ रिस्टार्ट। यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट होता है, स्टेट लेवल से रिजेक्ट होता है, तो इसके जरिए अपना फॉर्म का अपडेशन कर सकते हैं और इसमें गाँव, विलेज और अपना जो भी करेक्शन होता है नाम का, या आपका गाँव गलत हो गया, जमीन का रकबा गलत हो गया है और खतौनी अपलोड नहीं कर पाए, तो अपना भी खतौनी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल वही किसान यहाँ से कर सकते हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो अपना अपडेशन कर लें। यदि आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, यदि आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, काफ़ी समय हो गया है, तो तहसील में संपर्क करें और अपने फॉर्म का अप्रूवल करा लें दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों यदि आपके फॉर्म में और भी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें और उस मैसेज का जवाब आपको 100% दिया जाएगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।